राम राम दोस्तों, पिक केमिस्ट्री व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ताऊ से मिलवा रहा हूं, जो कि मिट्टी का काम करते हैं। बहुत पुराना एक्सपीरियंस इनका, इनसे जानेंगे कहां से मिट्टी लेकर आते हैं, किस प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना। ताऊ राम राम। राम राम भाई, राम राम। ताऊ या माटी कितने लिया करो? माटी भाई बनी मत लिया, अपना बनी मत लिया, बनी मत लिया के और आड़ घेर दो। आड़ घेर दिया फिर सुखावा भाई। सुखाओ इसकी? जी सुखावा भाई। अच्छा फिर मगरी का नन्ही करा भाई। अच्छा फिर इसने कूट के नन्ही करो हो? अच्छा हमने पूरी डिटेल बताओ ताऊ, किस प्रकार से माटी के बर्तन बनाओ हो आप, और हमने पूरी डिटेल में आपकी जानकारी चाहो। अच्छा पूरी जानकारी चाहो भाई, पर सुखा के ना निकल जा है। और अच्छा अच्छा सुतरी माटी आपने बनी और पांदी को नहीं बनी? मैं बनी सुतरी का कर हो रही है ज्यादा। अच्छा पहला सुतरी पाया कर दी? हाँ पहला सुतरी पाया कर दी 20 साल पहले। 20 साल पहला सुतरी माटी पाया कर दी ई बीच में का कर हो रही है, तो इस वजह से आपने दिक्कत आने लग रही है। या माटी आप घर ले आके न और इसने कुटो हो, फिर बारीक करो, फिर इस धरणी में छाना है। अच्छा इस में छाने के बाद फिर क्या काम करो? दो पहाड़े भर के सुखा जा। अच्छा सुखा के गाल जा बेटा वा। अच्छा है। अच्छा माटी ने बेह के रबड़ी बना लो? रबड़ी बना के इसमें डाल दो। अच्छा कांकर लेकर जाए बारीक झारना? अच्छा जो बारीक झारना में आवे है वह फिर कांकर नहरी काट दो। अच्छा फिर उसके बाद ये कितना टाइम में तैयार हो गया? यहाँ टाइम में तैयार हो गया, जैसे आज निकल के तो सवेरे तैयार हो गया। बारीक मिट्टी बारीक चुनने में? अच्छा बारीक में छान के ना करडी करी जा। करडी करी जा, करडी करके फिर उसके बाद करडी करके लगानी पड़ा भाई थड़ी इसकी। अच्छा ये दिखाइए कैमरा मैन तक, ये दिखाइए ये लगा रखी है। अच्छा ये मिट्टी तैयार कर रखी है ताऊ जी ने, ये देखिए आप, ये मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए ये इस प्रकार से मिट्टी तैयार करी जा है। पला बनी मत लिया हुए है, बनी मत लिया के इन्हें फोड़ के बारीक करे है। बारीक करके घोल बना, घोल बना के ना ये उस प्रकार देखो आप, दिखाइयो कैमरा मैन, ये पटड़ा बना दे फिर टाइट हो जाए इस प्रकार, ये गोला बना देते हैं। इसके बाद ताऊ जी आप क्या करो? इसके बाद इसमें तार गला काट लगा के। तार गला? हाँ बारीक बारीक तार गला ऐसे काट जाती है। ये कटाई करके दिखाता हूँ, ये काट लग जाती है। ये देखिए भाई कटाई करने का तरीका देखो, ये इस प्रकार से कटाई करे है। इतनी मिट्टी दिखा जिसमें अच्छा उसका फिर ऐसे पिंडा बनाया जाता है। ये अच्छा ये दो बार मसल के, दो बार अच्छी तरह मसल के, अच्छी तरह दो बार मसल जाती है। अच्छा अच्छा फिर ठीक है ताऊ जी, इस प्रकार आप बनाओ तो फिर ये चाक है, पहला तो बड़े बड़े चाक होया करते। अच्छा यो पुराना चाक और दिखाओ भाई एक बार। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार चाक होया करते, टाइम बदल गया, टाइम बदलने के अनुसार ही ताऊ जी ने ले लिया बिजली वाला चाक, जिसमें मेहनत कम हो जाए तो इसका अपना काम चल जाए। ये देखिए ये बिजली का चाक है, ये मोटर सेट करवा रखी है और ये इसके ऊपर है। ताऊ जी एक बार इसकी पोजीशन करके दिखाओ थोड़ा, हाँ मिट्टी लेके ना तो कहाँ पे रखी जा, चलाने की जरूरत कोनी तो लाइट नहीं है जी इस प्रकार। ये हाँ ये बस बिजली कोनी तो इस प्रकार आड़ा मिट्टी रख दो, फिर उसका नमूना बना दो आप। यह भी वीडियो भाई आपने एक दिन में जरूर दिखाऊंगा, जिस टाइम लाइट होगी उस टाइम पहुंचूंगा। ताऊ तय बाकी जानकारी हम ले लें, ये मिट्टी का बर्तन इस प्रकार बना के फिर ये सुखाए जा है। ये देखिए ताऊ जी क्या करा क्या आपने, ये घड़ा आधा घड़ा के दे जा है भाई, ये आधा घड़ा दे जा है, एक बार में आधा घड़ा जाता है, एक बार में आधा घड़ा घड़ा जा है, और फिर बाद में इसके नीचे कुकर लगाओ आप, तली 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 लगती है और थोड़ा ऊपर से बात आ जाता है, बात आने के बाद ये दोबारा बना जाता है, दोबारा तैयार कर जाता है, दोबारा तैयार कर जाता है। अच्छा उसके बाद ये सुखा जाता है, फिर सुखा के रंग और ले चित्र होता है इसका जो। आपने ये छोटी छोटी भी तैयार बहुत सुंदर कर रखी है, ये किस प्रकार से तैयार कर? ये भी इसी चाक पर बनाई जाती है। अच्छा मैं कैमरा मैन तक कहूंगा सारी आइटम बहुत ध्यान से दिखाओ है, आराम से सारी जितने भी बना रखी है ये देखिए, सबसे पहले ये दिखाओ आप, ये दोबारा समार के इसमें सही करेगा, ये नीचे वाले हिस्से में है ना, ये इसमें जोड़ लगा जाएगा, ये मिट्टी का जोड़ लगा के दिखाता हूँ, इसका जोड़ को इसकी लगा रखी, ये लगाने लग रही है। ताई जी साथ में साथ दे रही है, ताऊ का सारा काम करने लग रही है। देखिए आप ताई के नाम इतरा संतरा। संतरा कितने दिन हो गए ताई तुमने? हमने तो बहुत दिन हो गए भाई, उम्र भी थी, उम्र भी थी, साई का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, देखिए किस प्रकार से काम करना है। ताऊ जी
आपने कितने दिन हो गए? मन्ना 40 साल का लोग हो गए भाई। ताऊ का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, 40 साल हो गए इन्होंने काम करते हुए, बहुत ही सुंदर मटके बनाते हैं। ताऊ जी आपका गांव कौन सा है? गांव खरकड़ा भाई, गांव खरकड़ा जिला हिसार। ये ताऊ जी एक मटका कितने रुपए में दे देते हो आप? एक मटका की रेट भाई 120 रुपए है। 120 रुपया में बहुत ही सुंदर मटका, बहुत ही सुंदर डिजाइन किया हुआ 120 रुपए में आपको मिलेगा। अगर किसी भाई ने मटका लेना हो तो ताऊ से जरूर मटके ले, इसमें पानी बहुत ठंडा रहेगा। ये देखिए ताऊ, या किस काम के लिए बनाई जा है? ये भाई पहले तो लस्सी लुस्सी भालिया कर दी लो भाई। अच्छा, ये साल के सटील के जरूरत पूरी कोई नहीं, लस्सी दही भाल डाल लो या ब्याह शादी में भी चाक रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ और बर्ता में भी चाक रहा, बर्ता में भी ची है। अगर किसी ने लस्सी है जैसे दही जमानी, दही जमानी है अपने, और एक सब्जी बनाने खातिर भी आग रहा है। हाँ सब्जी भी है, सब्जी बनाने वाली कौन सी सब्जी बनाने वाली है? नहीं भाई सब्जी बनाने की है। ये देखिए दोस्तों, ये सब्जी बनाने के लिए हमारे घरों में अब ये यूज होने लगे हैं, सब्जी बनाने खातिर बहुत भाई लेने लग रहे हैं। इस तरह हमारे नेचुरल जो सब्जी बने बहुत ही बढ़िया बना है। आरा लगा के उसमें टेक दे सब्जी, घी की देसी घी की जरूरत कौन इसमें? ठीक, अपन सही बीज ला रखी बात रही। अच्छा अच्छा, और ठीक, इसके बाद पकाई किस प्रकार करो आप? पकाई तो भाई हवा में, हवा बना रखा बनी में। अच्छा, खेता में बनी में बना रखा है और पंचायती जमीन दे रखी है उसमें। हाँ, तो आप पहले गोसे लगाओ, नीचे गोसे लगाए जा, बीच में लगाए जा, फिर बीच में मटके लगाए जा। हाँ बीच में, फिर ऊपर भी गोसे लगाए जा, भी गोसे लगाए जा। फिर कितने दिन में तैयार हो? तीसरे दिन तैयार हो जाते हैं। तीसरे दिन पक्के तैयार हो जाए? हाँ तीसरे दिन। अच्छा, तो इसमें ज्यादा पकाई का कारण है? ये तो भगवान में निर्भर करता है भाई। अच्छा अच्छा, हम तो जैसे जमींदार अपना एक किला में एक कट्टा गेड़ना है, दो कट्टे गेड़ना उसके साथ। अच्छा, अपना काम करना आपके हाथ में है, बाकी भगवान की मर्जी है किस प्रकार पकाई हो किस प्रकार नहीं। हाँ, उसमें अपना कोई एक बार पके पकाए भी आप दिखा सको। ये देखियो भाई पके पकाए बर्तन आपको दिखाएंगे, मटके देखिए किस प्रकार से। ये मटका देखियो जी, ये दूध की बिलौनी है, दूध की बिलौनी मटका। और ताऊ ने हाथ की कलाकारी मामने और दिखी भाई है, और आपकी जरूर दिखावांगे घोड़े। ये देखिए दोस्तों, ताऊ जी ने किस प्रकार से बहुत ही सुंदर डिजाइन किया है घोड़े का, बहुत ही मस्त घोड़ा बनाया ताऊ ने, जो कि हमारे गुग्गा नवमी के दिन ये घोड़े हम धूप में काम, इसमें धूप पूजा में काम लेते हैं। और हमारे डिजाइन जैसे शोकेस में रखना है तो हम इसको पेंट करके बहुत सुंदर तरीके से इन्हें बनाए हैं। और ये देखिए गुल्लक, चलम, दुपिया, जिसमें हम सुख शांति के लिए धूप कहते हैं अपने घर में यूज होने वाली ये चीज़ है। ये देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन तैयार किया है दुपिये का। और ये छोटी मटकी हैं पानी डालने के लिए, और ये ताऊ जी ने चलम बना के तैयार कर दी, 40 रुपये की देता ताऊ जी, बहुत अच्छी प्रकार से इन्होंने चलम बनाई है। ये गांव खरकड़ा में है, खरकड़ा जिला हिसार, और ताऊ का नाम राम निवास जी। अगर किसी भाई ने इससे मटके लेने हैं तो इससे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए।